से जिनके भी हाथ हैं और जो भी महरकात हैं, जिना का पाकिस्तान जल गया, जिना का पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो कुछ भी ये कर रहा है उसने जना के पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, जना के पाकिस्तान को जला दिया है। जो ख्वाब जना ने देखा था कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान बनेगा, उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। और उसकी मिसाल इमरान खान साहब जैसे ईमानदार शख्स और लीडर की है, जिसके कारनामे सब दुनिया को मालूम है कि उन्होंने पाकिस्तान की खातिर क्या कारनामे सर अंजाम दिए, पाकिस्तान की कितनी खिदमत की है। उनको एक छोटे से कार कोठरी में बंद किया हुआ है, कोई केस नहीं है, ना कोई करप्शन है, सिर्फ जिद और अना है। इमरान खान साहब का कसूर यह है कि वो एक खुददार पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इमरान खान साहब के सिपाही फिरदौस शमीम नकवी साहब की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं, जिन्होंने बहादुरी और वफादारी की वो मिसाल कायम की है। जिसको जेल से रिहा किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जेल में वापस भेजो, जब तक मेरा लीडर जेल के अंदर है ये हो नहीं सकता कि मैं जेल से बाहर रहूं। फिरदौस शमीम नकवी साहब का ये पैगाम जो उन्होंने कौम को दिया, इमरान खान साहब के हवाले से आपको सुनवाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। धज्जियां उड़ा रहे हैं जेल के हुकाम, धज्जियां उड़ा रहे हैं और आवाम खामोश है। पीछे जिनके भी हाथ हैं और जो भी महरकात है, जिना का पाकिस्तान जल गया, जिना का पाकिस्तान बर्बाद हो गया, उसका पहला सबूत यह है कि इमरान खान जैसे शख्स को जिस तरीके से जेल में रखा जा रहा है, छोटी सी कमरा, नो प्राइवेसी, ढाई ढाई तीन तीन फुट की दीवारें और उस पर कैमरा, पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी जा रही, अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, बेटर क्लास अभी तक नहीं दी गई, सुपीरियर क्लास का वो हकदार है साबिक वजीर आजम की हैसियत से। शर्म करो पाकिस्तानियों, अब हमारे पूरी कौम के लिए डूब मरने का मकाम है।